Assalamualaikum everyone, how are you all? So today we all are going to learn the third part of speech, and that is adjectives. So are you ready to learn adjectives? Let's start. Achha ji, you all know that we have learned nouns and pronouns in our previous videos, and we all are clear about them. I hope so. So now in this video we are going to learn the third part of speech, and that is adjectives. सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, ये बहुत इंतहाई ईजी है, इसको आपने रटना नहीं है, इसकी डेफिनेशन के आप लोगों ने रटे नहीं मारने. मैं आप लोगों को बहुत इन अ वेरी ईजी वे आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग अबाउट इट. इसकी डेफिनेशन क्या होती है, होता क्या है एडजेक्टिव्स, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, हर चीज़ आपको बहुत ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, सो किसी भी चीज़ को आप लोगों ने रटना नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, कभी आप लोगों ने देखा है कि वेन एवर यू गाइस कमेंट ऑन सम वीडियोज़, जब भी आप किसी भी कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे होते हैं तो आप उन वीडियोज़ के नीचे कमेंट करते हैं, तो व्हाट इज़ दैट? कभी सोचा है आप लोगों ने, जो आप लोग कोई भी वीडियोज़ देख रहे होते हैं उन वीडियोज़ के नीचे यू गाइस कमेंटेड, तो उस वो कमेंट क्या चीज़ होती है? कभी सोचा है? वही तो एडजेक्टिव होता है. ठीक है, वही तो हमारा एडजेक्टिव होता है. इसी तरह इफ़ समवन इज़ लुकिंग नाइस और बैड, अगर कोई इंसान बुरा या अच्छा लग रहा है तो व्हाट डू? यू गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट ना, आप उसको किसी तरह का एक कॉम्प्लीमेंट देते हो कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस और यू आर नॉट लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग बैड. ठीक है, सो व्हाट्स दैट? दैट इज़ ऑल्सो अ एडजेक्टिव, वो भी एक एडजेक्टिव है. ठीक है, इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत लंबा नज़र आए तो आप उसको क्या कहोगे कि यू आर अ टॉल बॉय और यू आर अ टॉल गाय. ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट? टॉल, दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है, सो बेसिकली एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन अपने प्रीवियस पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोज़ में पढ़ा था. व्हाट इज़ नाउन? नाउन होता है किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम कहते हैं, और प्रोनाउन क्या होता है? जो भी नाउन को रिप्लेस करता है वर्ड, दैट इज़ प्रोनाउन. सो जो भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है वर्ड, दैट वर्ड इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. कौन एडजेक्टिव? व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताते हैं कि उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, बहुत बुरे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ऑनेस्ट हैं, फैंटास्टिक हैं, टेस्टी हैं, क्या हैं वो. ठीक है, सो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स वर्ड्स कहते हैं. सो देर आर अलॉट ऑफ एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में अगर आप देखें तो बहुत एक लंबी लिस्ट है एडजेक्टिव वर्ड्स की, जैसे जिनमें से कुछ मैं आपको अभी बता देती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्मिंग, क्रूल, टेस्टी, फैंटास्टिक, ह्यूज, जेंटल, ऑनेस्ट, रफ, ग्रीडी, प्रिटी, ब्यूटिफुल, टॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो देर आर अलॉट एंड अलॉट एंड अलॉट ऑफ एडजेक्टिव वर्ड्स इन द इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हसन इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, हसन एक बहुत ऑनेस्ट बॉय है, तो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज़ ऑनेस्ट? ऑनेस्ट आपको क्या बता रहा है कि हसन एक ऑनेस्ट बॉय है, नाउन. अब इफ़ यू सी तो दिस नाउन हसन ऑनेस्ट इज़ डिस्क्राइबिंग हसन. ठीक है, जो ऑनेस्ट वर्ड है वो इसमें हसन को डिस्क्राइब कर रहा है कि हसन क्या है, हसन इज़ ऑनेस्ट बॉय, यानी कि हसन एक ऑनेस्ट, एक बहुत ईमानदार लड़का है. ठीक है, तो दिस ऑनेस्ट वर्ड इज़ डिस्क्राइबिंग हसन, नाउन. ओके, इसी तरह हम ग्रीडी, द कैट इज़ वेरी ग्रीडी, सो कैट इज़ नाउन इन दिस सेंटेंस, और इसी तरह ग्रीडी क्या हुआ? एडजेक्टिव, क्योंकि जो ग्रीडी वर्ड है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग कैट, नाउन. वो कैट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो कैट है नाउन वो बहुत लालची है, ग्रीडी है. ठीक है, इसी तरह प्रीटी, द गर्ल इज़ लुकिंग रियली प्रीटी, जो लड़की है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्रीटी लग रही है. सो व्हाट इज प्रीटी वर्ड? इज़ इट प्रीटी वर्ड? इज़ एडजेक्टिव, वो हमें डिस्क्राइब कर रही है नाउन को. ठीक है, कि क्योंकि गर्ल इज़ अ नाउन और वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रही है कि गर्ल क्या लग रही है? प्रिटी. सो नाउ ये तो हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, किसको कहते हैं एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताते हैं कि उनकी कैसी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स.
ओके सो एडजेक्टिव टाइप्स. सो ऐसे अगर हम बात करें जैसे प्रोनाउन की टाइप्स थी, सो एडजेक्टिव की ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइप्स नहीं होती इंग्लिश ग्रामर में, बट इनको स्पेसिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में. और इनको क्यों स्पेसिफाई किया गया इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, सो दैट हमें पता चल सके कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ पे यूज़ होता है और किसके साथ यूज़ होता है. ठीक है जी. सो नंबर वन देखते हैं हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो नाउ व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब यू कैन सी द डेफिनेशन, दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन. अब अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे देख के, यू माइट थिंक के ये तो वही है जो एडजेक्टिव था. एडजेक्टिव भी यही था कि वो नाउन या किसी भी बंदे या इंसान की क्वालिटी बताते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी यही हुआ कि वो थिंग और किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस. सो देर इज़ नो डिफरेंस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दोनों में, देर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. दोनों सेम हैं बिल्कुल. इट्स जस्ट दैट के सारे बाकी सारे एडजेक्टिव्स में डिफरेंस कराने के लिए उन्होंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. सो इट इज़ द सेम कि ये किसी भी थिंग या किसी भी इंसान या किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें. ठीक है, तो दिस इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ जनरस मैन. सो ही वट इज़ नाउन इन दिस, ही एंड मैन ऑल्सो. ठीक है, देर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस, ही एंड मैन. और कौन सा वर्ड है जो इसमें नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? जनरस. ठीक है, दिस जनरस वर्ड इज डिस्क्राइबिंग द नाउन. सो जनरस हेयर इज एडजेक्टिव. ओके, नाउ इसी तरह लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, हरीम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अब वट इज़ नाउन हेयर? हरीम एंड स्टूडेंट ऑल्सो. ठीक है, हरीम और स्टूडेंट दोनों नाउन है. और कौन सा ऐसा वर्ड है दैट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन? इंटेलिजेंट. वेरी गुड. ठीक है, सो इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव हेयर, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि हरीम क्या है? हरीम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ठीक है, सो दिस वर्ड इंटेलिजेंट इज डिस्क्राइबिंग हरीम, कि हरीम एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. ओके, सो दिस इज एडजेक्टिव. सो इट्स सेम, ये बहुत सेम है. ये तो आप लोगों को इसमें कोई रटने की या समझने की जरूरत ही नहीं है. ये वही है एडजेक्टिव जो सिंपल हमने पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी. और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी वही होती है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को हम बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई विल नॉट मेक इट ट्रिकी, आई विल एक्सप्लेन यू कि देर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जब भी आप लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पढ़ेंगे तो यू हैव टू कीप इन माइंड टू थिंग्स, एंड दोज टू थिंग्स आर एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज. सो वट इज एट्रीब्यूटिव यूज? एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है? एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज बिफोर अ नाउन, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो हम किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी. इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट सिंपल कि एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो हम किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं. ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? खासियत, यानी कि किसी भी नाउन की या किसी भी चीज़ की खासियत बताना, एट्रीब्यूट बताना. ठीक है, सो ये कैसा एडजेक्टिव होता है जो हम किसी भी नाउन से पहले यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, यानी कि वो बहुत अच्छा ग्रेट लीडर है. सो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज़ नाउन? लीडर इज़ द नाउन एंड ग्रेट इज़ द वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग लीडर, कि लीडर कैसा है? ग्रेट है बहुत. अगर आप यहाँ पे देखें तो लीडर इज़ द नाउन और नाउन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्ड यूज़ हो रहा है. सो दिस इज़ एट्रीब्यूटिव क्वालिटी और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक है, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल, हसन इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन. ठीक है, अब इफ़ यू सी तो यहाँ पे हसन इज़ ऑल्सो अ नाउन और मैन इज़ ऑल्सो अ नाउन. ठीक है, तो मैन से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्ड यूज़ हुआ है एंड दैट इज़ स्ट्रॉन्ग. ओके, सो स्ट्रॉन्ग इज़ एडजेक्टिव हेयर, क्योंकि वो मैन को या हसन को डिस्क्राइब कर रहा है कि हसन कैसा आदमी है? बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो दिस वर्ड स्ट्रॉन्ग इज़ डिस्क्राइबिंग मैन और हसन. ओके, और ये नाउन यहाँ पे नाउन मैन से पहले यूज़ हुआ है. सो दिस इज़ एट्रीब्यूटिव यूज़. नाउ द सेकेंड वन, प्रेडिकेटिव क्वालिटी. अब प्रेडिकेटिव क्वालिटी या प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है? अब आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट. ये होता क्या है? सब्जेक्ट नाउन को कहते हैं, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है? यानी कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में बाकी जितना भी पार्ट होता है दैट इज़ योर प्रेडिकेट. ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के सेंटेंस का बाकी जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. सो वट इज़ प्रेडिकेटिव यूज़? एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज आफ्टर अ वर्ब, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव होता है जो किसी भी वर्ब के बाद यूज किया जाता है या किसी भी वर्ब के बाद आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सारा इज इल. अब यहां पे अगर आप देखें, सारा इज नाउन, इज इल इज वर्ब
और इल जो है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो यहाँ पे वर्ब के बाद आया है, इज़ यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इल इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। वो बता रहा है, एक तो वो नाउन की सारा की भी क्वालिटी बता रहा है कि सारा क्या है, बीमार है। सो दिस वर्ड इल इज़ एडजेक्टिव और वो यहाँ पे इसके बाद आ रहा है, तो दिस इज़ प्रेडिकेटिव क्वालिटी। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर ब्रेव। अब नाउ इन दिस सेंटेंस आर इज़ द वर्ब और आर के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड यूज़ हुआ है ब्रेव, कि तुम बहुत बहादुर हो। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। सो दिस ब्रेव वर्ड इज़ एडजेक्टिव और आर यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, तो आर के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो प्रेडिकेटिव यूज़। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, शी फेल्ट सैड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फेल्ट इज़ ऑल्सो वर्ब, ठीक है। सो और यहाँ पे सैड फेल्ट के बाद आ रहा है, यानी कि वर्ब के बाद आ रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो प्रेडिकेटिव क्वालिटी। सो दिस वॉज़ वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं थी, याद करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट अ लॉजिक एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या था, यानी कि ऐसी एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी क्या क्वालिटी है, ठीक है। अब इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने दो चीज़ें देखी थी, एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज बिफोर फॉर अ नाउन, यानी कि ऐसा कोई भी एडजेक्टिव होता है जो किसी भी नाउन से पहले हम लगाते हैं या किसी भी नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है, ये ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी भी वर्ब के बाद यूज़ होता है, ठीक है। एट्रीब्यूटिव में नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, प्रेडिकेटिव में वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, बस इसमें इतनी सी बात है याद करने वाली और कुछ इतना रटने वाला नहीं है, कुछ इतना याद करने वाला नहीं है। Now another type of adjective is comparative and superlative degrees. So what are these two? अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल हैं। अब आप लोग देखें, आप लोग अक्सर जब किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम लोग अक्सर कंपेरिजन कर रहे होते हैं कि ये तो मुझसे बहुत बुरा है, ये तो मुझसे बहुत अच्छी है, ये तो मुझसे छोटी है, ये तो मुझसे लंबी है, इसका खाना मुझसे अच्छा है। सो everyone do this comparison, ठीक है। So whenever we give them someone a compliment, we always compare, ठीक है। ये तो पूरी दुनिया में होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं शाहरुख खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर देन इमरान खान, ठीक है, यानी कि शाहरुख खान एक बहुत अच्छा एक्टर है इमरान खान से। या फिर हम लोग कहते हैं हसन इज़ टॉलर देन अली, कि हसन अली से बड़ा है, यानी कि दोनों बड़े हैं, दोनों टॉल हैं, लेकिन दोनों में से कौन टॉल है, हसन, ठीक है। इसी तरह हिज हाउस इज़ प्रीटियर देन माइन, उसका घर मुझसे प्रीटी है, यानी कि दोनों का घर प्रीटी है, लेकिन दोनों में से किसका घर ज़्यादा प्रीटी है, उसका। हिज हाउस इज़ प्रीटियर देन माइन, यानी कि उसका हाउस मुझसे ज़्यादा प्रीटी है, ठीक है। सो ये हम क्या कर रहे हैं इन सेंटेंसेज में, वी आर डूइंग द कंपैरिजन, हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमेशा हर कोई बंदा करता है, और हम हमेशा किसी को किसी से अच्छा कह रहे होते हैं, कभी किसी को किसी से बुरा कह रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, जब भी आप दो लोगों के बारे में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो या तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं या तो उसको हम सुपर डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है या तो पूरी दुनिया के साथ होता है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी कंपैरिजन हम करते हैं तो या तो हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बारे के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, या फिर हम किसी का भी कंपैरिजन करते हैं पूरी दुनिया के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हसन इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं कि हसन इस दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिकेटर है, यानी कि इससे अच्छा क्रिकेटर और कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी कि बाकी सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सारे हसन से कम हैं और हसन सबसे अच्छा क्रिकेटर है। सो ये हमने उसका पूरी दुनिया के साथ कंपेरिजन कर दिया कि हसन सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, हसन। तो ये क्या हो गया, दिस कंपेरिजन इज़ सुपरलेटिव, ठीक है। ऐसा कंपैरिजन जो हम दो लोगों के बीच में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव, यानी कि दो लोगों के बीच में कंपेयर करना, ठीक है। और सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपर, सबसे ज़्यादा कंपैरिजन, ठीक है, यानी कि उससे अच्छा या उससे बुरा कोई चीज़ है ही नहीं, सुपरलेटिव, सुपर कंपैरिजन, ठीक है। सुपरलेटिव कौन सा कंपैरिजन होता है, जब हम किसी चीज़ का या किसी भी इंसान का कंपैरिजन करते हैं पूरी दुनिया के साथ, ठीक है। अब नाउ देर आर थ्री थिंग्स इन दिस जो आप लोगों को अपने माइंड में बहुत अच्छी तरह से उनको मेमोराइज़ कर लेना है, वो तीन चीज़ें क्या है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कि जब हम कोई एडजेक्टिव लिखते हैं तो हम उसको एक सिंपल फॉर्म में या एक कंपैरेटिव या एक सुपरलेटिव फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। अब जैसे पॉजिटिव फॉर्म में वाइज,
old, strong, weak, interesting. For example, I have taken some of the adjective examples. वैसे तो बहुत सारी examples हैं adjectives की, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ली हैं. ठीक है, सो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, यानी कि जो हम सिंपल एडजेक्टिव्स लिखते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में, उनको पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं. सो अगर हमने इन्हीं वर्ड्स को हमने कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में यूज़ करना है, तो हाउ आर वी गोना यूज़ इट. अब सिंपल है कि कंपैरेटिव डिग्री में आपने ER लगाना होता है वर्ड्स के एंड में, और सुपरलेटिव में आपने EST लगाना होता है उन्हीं एडजेक्टिव्स के एंड में. अगर कंपैरेटिव आप लिख रहे होंगे तो आप ER लगाएंगे. इफ़ यू आर राइटिंग सुपरलेटिव देन यू विल यूज़ EST एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाइज है, अब वाइज के एंड में आप ER लगाएंगे. अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ई पहले से ही था, तो आप डबल ER नहीं लिखेंगे, आप सिंगल ER लिखेंगे, वाइजर. ठीक है, सो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी. इसी तरह ओल्ड के एंड में ER लगाएं ओल्डर, स्ट्रॉन्ग के एंड में ER लगाएं स्ट्रॉन्गर, वीक एंड में ER लगाएं वीकर. अब इसी तरह इंटरेस्टिंग, अब ये मोर इंटरेस्टिंग होगा. यहाँ पे आप ER नहीं लगाएंगे एंड में, क्यों नहीं लगाएंगे. अब यहाँ पे एक और आपको मैं ट्रिक, इफ आई टेल यू, एक और ट्रिक है कि अगर एक वन सैलेबल वर्ड्स होंगे तो फिर आपने ER या EST लगाना है. ठीक है, वन सैलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एक साउंड में आपके निकले, जैसे वाइज, ओल्ड. ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो रहे वर्ड्स. ठीक है, ये टू या थ्री साउंड्स में ब्रेक नहीं हो रहे, ये एक आवाज में आपके निकले, जैसे वाइज. ठीक है, ये एक साउंड में आपका निकला वर्ड. इसी तरह स्ट्रांग, ये भी एक साउंड में निकला. लेकिन इफ यू सी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग आपका एक साउंड में नहीं निकला, जैसे इन टेस टिंग. ठीक है, तो दीज आर फोर सैलेबल्स, ये आपके फोर सैलेबल्स बन रहे हैं, आपके फोर साउंड्स निकल रही हैं. सो अगर एक सैलेबल होगा तो फिर आपने ER या EST लगाना है. ER फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड EST फॉर सुपरलेटिव डिग्री. और अगर एक से ज़्यादा सैलेबल्स होंगे तो फिर आपने मोर या मोस्ट लगाना है. मोर हम कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं और मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं. ठीक है, अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा सबको. अब इसी तरह इन्हीं की अगर हमने सुपरलेटिव डिग्री लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे. अभी मैंने आपको क्या बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में वी यूज़ EST एट द एंड. हम जैसे कंपैरेटिव डिग्रीज में हम ER एट द एंड लगाते हैं, इसी तरह सुपरलेटिव में हम लोग EST एडजेक्टिव के एंड में लगाते हैं. ठीक है, जैसे वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट. ठीक है, अगर कंपैरेटिव में लिखना था तो वो वाइजर बनता, ER लगाते, और अगर सुपरलेटिव डिग्री हमने लिखना तो हम EST लगाएंगे एंड में, वाइजेस्ट. तो अब ये क्या हो गया, यानी कि सबसे अकलमंद, यानी कि उससे अकलमंद कोई है ही नहीं. इसी तरह ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ठीक है, इधर भी हमने EST एंड में लगा दिया. ओल्डेस्ट मतलब सबसे बूढ़ा, उससे बूढ़ा या ओल्ड कोई है ही नहीं. इसी तरह स्ट्रांग, स्ट्रांगर कंपैरेटिव हो गया, और स्ट्रांगेस्ट EST हमने लगा दिया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई. ठीक है, इसी तरह वीक, वीकर, वीकेस्ट, यहाँ पे भी EST लगा दिया, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, यानी कि सबसे वीक. ओके, अब इसी तरह इंटरेस्टिंग का देखें. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सैलेबल था यहाँ पे, तो इसी तरह हमने कंपैरेटिव में मोर साथ लगाया. और अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही होगी तो देन यू विल यूज़ मोस्ट विद इट, फिर आपने मोर नहीं लगाना, देन यू विल यूज़ मोस्ट. ठीक है, कंपैरेटिव में मोर लगाना है, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना है. और मोर और मोस्ट किसके साथ हम लगाते हैं, व्हेन देयर आर मोर देन वन सैलेबल्स. अगर एक से ज़्यादा सैलेबल्स होंगे तो फिर हम मोर कंपैरेटिव में लगाएंगे, मोस्ट सुपरलेटिव में लगाएंगे. ओके, सो दिस वाज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. मैंने आपको बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया है, होप कि आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. जल्दी से देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कि दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होता है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन द होल वर्ल्ड. ठीक है, जब हम पूरी दुनिया के साथ किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. ओके, अब इसमें तीन चीज़ें थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. पॉजिटिव हमारी डिग्री होती है जो हम नॉर्मल एक एडजेक्टिव वर्ड्स लिखते हैं, जब उन्हीं वर्ड्स के एंड में हम ER लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्रीज बन जाएंगी, और अगर उन्हीं वर्ड्स के एंड में EST लगाएंगे तो दोज विल बी सुपरलेटिव डिग्रीज. ठीक है, एंड इफ द एडजेक्टिव इज वन सैलेबल तो देन यू विल यूज ER फॉर कंपैरेटिव एंड यू विल यूज EST फॉर सुपरलेटिव. और इफ देयर आर मोर देन वन सैलेबल्स तो देन यू विल यूज मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट विद द सुपरलेटिव वर्ड्स. सो आई होप कि ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलें जी, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एंड दैट इज़ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब ये क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है जो मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताई थी, तो उसमें हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था. ये वही चीज़ है, बिल्कुल वही सेम बात है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इट्स डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव.
दोज एडजेक्टिव्स विच पॉइंट एट सम स्पेसिफिक नाउन, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट, दोज, दिस, दीज, ठीक है. सो हम यानी कि दैट गर्ल, यानी कि हम किसी गर्ल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इसी तरह दिस कैट, ये वाली कैट, सो ये यहाँ पर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज कीज, वो वाली कीज, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा याद करने वाला नहीं है, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो और कॉन्सेप्ट को याद करो. सो ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है. देन द थर्ड सेकेंड वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव विच शोज हु और वट समथिंग बिलोंग्स टू, यानी कि एक ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है या किससे बिलोंग कर रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर, योर पेंसिल, हिज टॉय, और योर मदर, ठीक है, योर देयर होम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है. यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव भी पोजेसिव प्रोनाउंस की तरह होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ होती है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है. इसी तरह माई, योर, हिज, देयर, देम, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर ऑल पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ओके, जो किसी भी चीज़ की ऑनरशिप बता रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की बिलोंगिंग बता रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारी है, कि इस योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल, यानी कि ये तुम्हारी पेंसिल है, ठीक है. दिस इज शोइंग द बिलोंगिंग ऑफ द अदर पर्सन, है कि उसकी किस अगले बंदे की पेंसिल है. माई ब्रदर, मेरा भाई है, दिस इज शोइंग द पोजेसिवनेस, कि ये मेरा भाई है, ठीक है. His toy, उसका toy, ठीक है. So these, this is the possessive adjective. So ये तो बहुत easy था. अब आपने इसमें याद क्या रखना है, अब difference क्या है demonstrative या possessive adjective या pronoun में, कि यहाँ पे जब भी ये adjectives ऐसे हैं, जब भी ये noun या pronoun से पहले use होंगे, so ये adjective के तौर पे use होंगे, ठीक है. जब भी ये words before noun और pronoun आएंगे, तो ये as an adjective use होंगे, और अगर ये वाले words अकेले आएंगे, तो देन वी विल यूज़ प्रोनाउन, ठीक है. अगर ये वाले वर्ड्स अकेले यूज़ हो रहे होंगे कहीं पे, ठीक है, तो देन दे विल बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन, और अगर ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ हो रहे होंगे, तो देन दे विल बी यूज्ड एज एडजेक्टिव. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. अब ये भी वही है, सिंपल इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह. इंटरोगेट मतलब कि किसी से कोई क्वेश्चन करना, किसी से कोई पूछताछ करना, ठीक है, यानी कि किसी से किसी किस्म का कोई सवाल करना. एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी भी हम से क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है. ये किसी भी नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन हम लोग पूछने के लिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हुज पेंसिल इज दैट, ये किसकी पेंसिल है, तो हम यहाँ पे नाउन के बारे में पूछ रहे हैं ना, पेंसिल के बारे में पूछ रहे हैं कि किसकी पेंसिल है, तो यहाँ पे जो हुज होगा दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इसी तरह विच बुक डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी बुक है, सो यहाँ पे बुक इज द नाउन, और यहाँ पे विच जो है वो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस विच इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. अब यहाँ पे भी वही बात है, आप लोगों ने सिर्फ याद ये रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, कि व्हेन दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स कम बिफोर noun or a pronoun, then they will be used as an adjective, and if they are alone in a sentence, unke saath koi noun ya koi pronoun nahi hai, then they will be used as a pronoun, okay, theek hai. So डिफरेंस यही है, बाकी चीज़ वही है सारी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रोनाउन में बताई थी, ठीक है. सिर्फ फ़र्क इतना है दोनों में कि आपने अगर ऐसे वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे, देन दे विल बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है. और अगर अकेले यूज़ हो रहे होंगे, कोई नाउन या नहीं होगा साथ, तो देन दे विल बी ओनली यूज्ड एज अ प्रोनाउन. ओके, सो नाउ द लास्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स. अब इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है, दैट मॉडिफाइज द नाउन इन एन अनस्पेसिफाइड वे, यानी जो किसी भी नाउन को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि अनस्पेसिफाइड वे में. अब आप लोगों ने डिटर्मिनर्स पढ़े होंगे, व्हाट आर डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को डिटर्मिन करते हैं, जैसे ऑल, फ्यू, मोर, सम, एनी, अनदर, इनफ, वेरी. सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिटर्मिनर्स, यानी कि जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिटर्मिन करते हैं कि कोई चीज़ कितनी है, बहुत ज़्यादा है, कम है, थोड़ी है, ऑल है या काफ़ी है,
ठीक है। सो डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी ऐसे वर्ड्स ही, यही सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर इन वर्ड्स के साथ कोई भी नाउन लग जाएगा, ठीक है, अगर इन वर्ड्स के साथ कोई भी नाउन यूज़ हो रहा होगा तो फिर वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर इनके साथ कोई नाउन नहीं होगा तो फिर वो डिटर्मिनर्स या जो भी उनकी असल करेक्टर होगा, इफ़ दे आर प्रोनाउन, तो फिर वो प्रोनाउन या डिटर्मिनर्स ही रहेंगे। सो द डिफरेंस ओनली इज़ कि जैसे अभी मैंने आपको वर्ड्स बताए, ऑल, अनदर, इनफ, मोर, सम, एनी, फ्यू, वेरी, सो ये सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर इन्हीं सारे वर्ड्स के साथ कोई नाउन का वर्ड यूज़ होगा तो देन दे विल बी इनडेफिनेट एडजेक्टिव, फिर वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज़ वेरी वेरी ईजी, आई होप कि सबको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ईजी वे में समझ आ गया होगा। जितना ईजी हो सकता था मैंने उतने ईजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत की थी। देर वॉज नथिंग टू रट्टाफाई इन दिस वीडियो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप लोग रट्टा लगाएं, जिसका ये डेफिनेशंस का रट्टा लगाएं। दिस वॉज़ ऑल वेरी वेरी ईजी, बस लॉजिकल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप लोग रट्टा लगाएं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। So thank you so much for watching my video. If you like my video, then do share it with your family and friends and subscribe to my channel if you haven't yet.